सदानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि योजना बनाकर षड्यंत्र पूर्वक गौवंश का वध किया जा रहा है। जबलपुर में शंकराचार्य ने कहा कि हिंदुओं को चिढ़ाने और अशांति फैलाने के लिए गौ हत्याएं की जा रही हैं। षड्यंत्र पूर्वक गोवध किया जा रहा है, योजना बना कर के किया जा रहा है, हिंदुओं के मन को उद्वेलित करने के लिए यह काम किया जा रहा है और हमारे देश में, मध्य प्रदेश में अशांति उत्पन्न हो, एतदर्थ कुछ लोग मिलकर के योजना बना करके उस उद्देश्य से धन कमाना या दूसरा कोई उद्देश्य हमारी समझ में तो नहीं आता है। और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शिवपुरी बायपास पर कुछ समय के लिए रुकी और स्थानीय बीजेपी नेताओं से मिली। इस दौरान उमा भारती ने कहा कि मेरी तो इच्छा थी कि 500 सीटें जीतते, लेकिन भगवान सबकी इच्छा पूरी नहीं करते। उत्तर प्रदेश में कम सीट आने के सवाल पर उमा भारती ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था को धार्मिक व्यवस्था से नहीं जोड़ना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हर राम भक्त बीजेपी को वोट देगा, यह अहंकार नहीं पालना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री सड़क पर ही बातचीत करने के बाद भोपाल के लिए रवाना हो गई। मेरी इच्छा ये थी कि हम तो 500 पार करेंगे। तो आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? आप भगवान हर इच्छा थोड़ा ना पूरी करते। आपको हिंदू समाज का मन समझना पड़ेगा। हिंदू समाज ना समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को एक नहीं करता। ये इस्लामिक समाज है जो धर्म और समाज की व्यवस्था को एक करके चलता है, इसलिए वोट वो सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप है। लेकिन इससे उनकी राम भक्ति कम हो गई या वो राम के भक्त नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अयोध्या को लेकर वो राम के भक्त हैं, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देना चाहते थे। हर राम भक्त बीजेपी को वोट देगा, ऐसा अहंकार हमको नहीं पालना चाहिए। और भोपाल में बीजेपी सांसद ने अफसरों को चेताया, एक भी पेड़ काटा तो खैर नहीं। भोपाल सांसद आलोक शर्मा अफसरों को चेता रहे हैं, जन प्रतिनिधियों को भरोसे में लेकर काम करें, पेड़ काटकर डेवलपमेंट नहीं करने देंगे, ऐसी योजना ना बनाएं जिससे सरकार की छवि खराब हो। ये मेरी समझाइश भी है और चेतावनी भी है। तो भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने अफसरों को चेताया है, ऐसी कोई योजना ना बनाएं जिससे सरकार की छवि पर असर पड़े। देखने में ये आ रहा है कि अधिकारी लोग विकास के नाम पे, डेवलपमेंट क्या है नाम के ऊपर कुछ तो भी प्रस्ताव बना देते हैं और उसमें जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछते, कभी पार्षदों से नहीं पूछते, कभी विधायकों से नहीं पूछते, कभी महापौर से नहीं पूछते, कभी सांसदों से नहीं पूछते और प्रस्ताव बढ़ा देते हैं और उस प्रस्ताव के अंदर कई प्रकार के वृक्ष होते हैं, वो काटने का प्रावधान होता है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की भी छवि खराब होती है। मैं सभी अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि भविष्य के अंदर भोपाल में कि डेवलपमेंट का जो भी प्रस्ताव बनाए उसमें वृक्ष नहीं कटें, पेड़ नहीं कटें। मैं किसी भी कीमत में भोपाल में हजारों वर्षों सैकड़ों वर्षों पुराने पेड़ लगे उनको काटकर भोपाल का डेवलपमेंट नहीं करने। और बालाघाट दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 28 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। बालाघाट के पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में हॉक फोर्स के 28 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया, साथ ही इन सभी जवानों को बैज लगाकर उन्हें सम्मानित भी किया। गौरतलब है कि इन जवानों ने 1 अप्रैल 2024 को लांजी के पितकोना केरझिली जंगल में हुई मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। आज बालाघाट के अंदर विभिन्न नक्सलवादी मूवमेंट में हमारे जवानों ने जो बहादुरी से अपना अपना रोल अदा किया, मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 26 तो जवानों को वर्तमान में प्रमोशन दिया गया, 2 पूर्व जवानों को जिनने काल के प्रवाह में गैप हो गया लेकिन उनका भी प्रमोशन किया गया। बालाघाट के सभी प्रकार के सशस्त्र बलों में खास करके हमारे अपने जिला पुलिस बल, हमारे SF के जवानों ने जो भूमिका अदा की है, हाक फोर्स के जवानों भूमिका अदा की है, भारत सरकार की भी CRPF की 3 बटालियन की 18 कंपनियां यहाँ हैं। मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा और इस आधार पर निश्चित रूप से देश के दुश्मनों की कमर तोड़ने में हमारा सशस्त्र बल सक्षम रहेगा। हमने नक्सलियों को आत्मसमर्पण की नीति भी बनाई है, मुझे इस बात का संतोष है कि उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और यही कारण है कि हमने काफ़ी कंट्रोल किया है और हमारा ये सर्वाधिक समस्याग्रस्त जिला अब धीरे धीरे सामान्य हुआ है।
और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।